आदू कहाँ जा रहे हम लोग? वैक्सीनेशन दिलाएंगे आदू को। क्या दिलाएंगे? वैक्सीन। वैक्सीन है ना? हाँ ठीक है, चलो 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 चलो, लाइट्स ऑफ। वो डॉक्टर का बोल ले लो। ओह वही भूल गए हम लोग तो, रुको। विंडो 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 लगा। सो बारिश तो एकदम जोरों पे है, बट फिर भी वैक्सीन दिलाना है तो जाना है। ये थ्री मास्क है, ये है आपका N95 मास्क, हम लोगों ने मंगा रखा था। सैनिटाइजर वहाँ पे भी है, ले लो पीछे में। खाली है सर, बड़ा वाला इसीलिए तो रखे हैं। चलो चलो सैनिटाइजर ले लिए, चलो लाइट्स ऑफ। चाबी? हाँ, ऐसे ही रहना है, लगी गए। चलो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? पापू पीप पीप कह रहे हैं। सो जैसा कि आप देख ही सकते हो कि हम लोग अभी गाड़ी में हैं, और 10th of March के बाद आज, मतलब आज है 4th of June, आज मैं और आदू निकले हैं बाहर, और वो भी काम से जा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आदू को वैक्सीन दिलाना है, उसका डेट आ चुका है, थोड़ा सा आगे ही हो गया, तो वो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं अभी। सो बारिश तो हो ही रही है, बट ठीक है मौसम अभी। सो देखते हैं, फुल प्रिकॉशन के साथ जा रहे हैं। मास्क रख लिया, सैनिटाइजर रख लिया है, एंड बस होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ अच्छे से हो जाए, है ना बेटा? आदू हाउ आर यू फीलिंग? अच्छा लग, यू आर फीलिंग फाइन। सो अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बाहर आके? कैसा लग रहा है आदू को? मजा 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 मजा। आदू व्हाइट व्हाइट का? ओ माय गॉड, पापा फिश चला रहे हैं क्या? पापा फिश चला रहे हैं? जय भगवान जी, वेरी गुड। आदू 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 मजा मजा कैसे लगता है आदू को? वाइपर, हाँ वाइपर को वो, अच्छा शीश शीश वाइपर ऑन द बस का शिश 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 वाइपर ऑन द बस का। आदू को मजा आ रहा है आज बाहर निकल के? ओपन शर्ट, ओपन शर्ट, छोटो बेबी छोटो बेबी छोटो बेबी। आदू की आदू गिर जा रहा है। अच्छा रुको, मम्मा ठीक से बैठा दो। सो गाइज ये देखिए पुणे के रोड्स, इतने दिन के बाद देखने को मिल रहे हैं, सारे लोग मास्क वगैरह लगा के निकले हुए हैं, बट गाड़ियां तो काफी दिख रही है ना। सब लोग लग रहा है एकदम नॉर्मल लाइफ में आ गए, फिर भी प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है अभी भी। ये फलों की दुकान भी खुली हुई है, सब्जी फल एवरीथिंग, दवा की दुकान। चलो कैसा लग रहा है बाहर निकल के? अच्छा तो बहुत लग रहा है, बट डर भी लग रहा है साथ ही साथ। सब लोग मास्क पास लगा के तो घूम ही रहे। हाय कर दो सबको। हाय गाइस, हेलो पैनकेक। आदू को बहुत अच्छा लग रहा है बाहर निकल के, सब कुछ देख के ही इज एंजॉयिंग, सब लोगों को देख रहा है इतने दिनों के बाद। दादी पैनकेक बनाती है, दादी पिक, दादी की सैनिटाइजर। एसी नहीं चलाओ, ग्लव्स भी देना। इसको कैसे पहनते हैं? मैं फर्स्ट टाइम मास्क पहन रही हूँ। ठीक है ठीक है, छोड़ो बेटा। अरे बाप रे, इट इज नॉट
What it is now? So easy. ठीक है? So guys ready to go out, but पता है इतना भी easy नहीं है ये पहनना. आदू तो मुझे नहीं लगता पहन पाएगा, बट इसका ध्यान हमें लोगों को रखना पड़ेगा, है ना बेटा? आदू नो. मेरा फोन है क्या इधर? नहीं, तुम्हारा फोन नहीं है. अरे फोन नहीं लाए हम क्या? छोड़ दिए लगता. भाई जा, फोन छुड़िया, पे पैसे कैसे पे करेंगे? वेरी गुड, फोन ही घर में रह गया आशु का. अब क्या करोगे? सो वी आर हियर. अभी यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए है ना. अभी मम्मा क्या लगाई है? मम्मा क्या लगाई? नाकू को क्या लगाई है? नहीं नहीं नहीं, डोंट टच इट, डोंट टच इट. मास्क डाल तुम्ही. होली पॉपले What happened? अभी हम लोग चलेंगे, ओके? आदू इज अ ब्रेव बॉय, नो? आदू इज अ ब्रेव बॉय, नो? हाँ, आदू को डर नहीं लगता. आदू इज अ गुड बॉय. गुड बॉय, ओके. देखो, आदू नहीं, आदू नहीं. कौन रो रहा है? आदू तो ऐसे नहीं रोता. आदू इज अ ब्रेव बॉय. बहुत गुड बॉय है. गुड बॉय. बाकी आप सब ठीक हैं? अभी तक तो ठीक है. अभी ये लोग तो 10 मार्च के बाद बाहर निकले. बराबर, यही बेटर है ना. बाहर निकलना ही नहीं है. मैं भी बहुत पूतो सब पूतो दो पू हां पापा गोदी दे दो. तुरंत हो जाएगा बेटा, एक सेकंड तो लगता है. आप क्यों रोते हो? कौन है बेटा? से हाय. हाय टू आंटी. हाय. गुड बॉय है वो. बाल से बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. सो वो तो ये सीट बेल्ट. मेरा ओबीडिएंट बच्चा. चलो सीट बेल्ट लगा ले. ओके लगा लिए. ये वेरी गुड. सो फाइनली वैक्सीनेशन इज डन. अब जस्ट घर जा रहे हैं हम लोग, और होप कि सब कुछ ठीक रहे. डॉक्टर ने बोला 90% केसेस में फीवर वगैरह कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल रहते हैं. 10% केसेस में वैक्सीनेशन के केसेस. हाँ, वैक्सीनेशन के केसेस में. और 10% लोगों को शायद फीवर वगैरह जो भी है वो होता है. तो देखते हैं. चलिए फिर घर पहुंच के तब मैं आप लोगों से बाय. स्विश 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 वाइपर ऑन द बस गो. स्विश स्विश स्विश. क्या हो गया आदू? क्या हो गया? वाटर. वाटर है? अच्छा. वाटर डर गया दो. वाटर से तो कोई नहीं डरता बेटा. आदू कहाँ जा रहा है? कार. घर जा रहा है दू? कार बोला. कार. कार बोले. अच्छा ठीक. कॉपी पी. आपू कॉपी पी. पी पी. ओके. आपू कार पी पी. साला मारेगा हमको. कितना हॉर्न क्यों मार रहे हो? आदू का पीपी. आदू का पीपी. आदू का पीपी. ये घर आ गए हम लोग. सो गाइज, हम लोग अभी घर पहुंच चुके हैं, एंड मैंने फिर से शावर ले लिया है. आदू को भी पूरा क्लीन कर दिया है, और आशु भी फ्रेश हो गया सब लोग. और अभी बहुत लेट हो गया है, 12 बजने वाले, लेकिन हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है. तो ब्रेकफास्ट में मैं बना कर ही गई थी, जैसे पोहा बना कर गई थी. तो अभी हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट. आदू को बस दूध पिला कर लेके गई थी, तो उसको भी दूंगी मैं. वो लेट से उठ के उठा था, तो दैट्स वाई. तो चलिए फिर ब्रेकफास्ट करके, और उसके बाद देखते हैं, चाय बनाऊंगी और फिर लंच की प्रिपरेशन करूंगी. देखती हूँ क्या बनाती हूँ. तो फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों से. बाय गाइस.
सो गाइज यहाँ पर शाम हो गई है, 5 बजे के अराउंड हो रहा होगा एंड हमने ब्रेकफास्ट बहुत लेट से किया था तो लंच ही स्किप कर दिया था और इस टाइम पे बहुत तेज भूख लग गई थी तो मैंने इंस्टेंटली कुछ बनाने के लिए सोचा तो फ्रीज में मैंने देखा कि कुछ वेजिटेबल्स थे तो उसको मैंने बस सोचा कि क्विकली टाइप के एक देसी रोल टाइप का मैं कुछ बना लूँ हेल्दी सा ही। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल लिया था और उसमें थोड़ा सा मैंने अदरक ग्रेट कर दिया था और उसके बाद प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया एंड देन आफ्टर जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं जैसे मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ऐड किया था, थोड़ा सा गाजर ऐड किया था, बीन्स वगैरह भी हो तो आप उस टाइप से इसमें डाल सकते हैं और उसके बाद उसको हल्का सा फ्राई कर लीजिए। फिर टमाटर डाल दीजिए, टमाटर को भी अच्छे से फ्राई कर लीजिए, हल्का ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नमक डाल दीजिएगा तो तुरंत फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद फिर थोड़ा सा सॉस डाल दिया था मैंने, मतलब टोमेटो सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस बाद में ऐड किया था बट रेड चिली सॉस भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और उसको मिलाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ब्लैक पेपर, मैंने जो गोल मिर्च होती है वो डाल दिया था, सोया सॉस और बस हमारा मिक्सचर जो फीलिंग होता है रोल के लिए वो रेडी है। आप जिस तरीके से भी चाहो इसमें रोल बना सकते हो इस मिक्सचर से। तो मैं तो बस सिंपल सा जो मतलब घर के जो रोटियां बनाती हूँ जिस आटे से, तो उसी आटे से मैंने रोटियां बना ली थी। यहाँ पर देखिए तो शेप मेरा हमेशा गड़बड़ हो जाता है जब भी मैं इस टाइप का कुछ बनाती हूँ जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर बस कोई भी शेप आपको जो भी शेप स्क्वायर शेप में भी चाहिए या फिर पराठे के ट्रायंगल शेप में भी चाहिए वैसे भी आप बना सकते हो। बहुत ही देसी तरीका टाइप का रोल मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो बस उसको ऑयल से मैंने बस इसको अच्छे से पराठे टाइप का बना लीजिए और जो भी फीलिंग्स है उसको आप फील करके और एक रोल जैसा बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे तरीके से इसको सेक लिया था। यहाँ पर फर्स्ट वाला मैंने 3 टाइप के मतलब 2 टाइप के बेसिकली मैंने बनाए थे, थर्ड वाला मैंने शो नहीं किया वीडियो में, वो मैंने ऐसे ही बना दिया था लास्ट में। तो जो फर्स्ट टाइप का था उसको मैंने पहले ही जो पराठे है उसको बहुत अच्छे से सेक लिया था और उसके बाद यहाँ पर देखिए बस स्टफिंग को हम लोग इस तरीके से डाल देंगे उसमें और बस रोल कर देंगे हल्का सा और सच में बहुत यमी लगता है ये। इसीलिए मैंने ये आप लोगों के साथ डिश शेयर कर दिया। ये बस मेरा टाइम पास जो डिशेस होते हैं ना कभी कभी जो क्विकली भूख लग जाती है और फटाक से कुछ खाने का मन कर जाता है अच्छा सा, तो उस टाइप का मेरा रहता है। बस सॉस के साथ हम लोग खा लेते हैं इसको। ये देखिए हमारा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है और सेकंड वाले में मैंने बस ज्यादा कुछ नहीं किया है। इसमें मैंने क्या किया था कि वैसे ही पराठा या रोटी जो भी बोलो आप वो बनाकर और यहाँ पर मैंने एक चीज स्लाइस ऐड कर दिया है और उसके ऊपर से मैंने यहाँ पर स्टफिंग्स डाल दी है इसमें। स्टफिंग्स डालने के बाद बस आपको इसको अच्छे से रोल कर देना है, दोनों साइड से हल्का सा चिपका दीजिए आप लोग और उसके बाद बस मैं इसको तवे पे अच्छे से थोड़ा सा और सेक लूंगी ताकि अच्छे से जो फीलिंग्स है वो चिपक भी जाए और ये भी बहुत अच्छा यमी यमी सा रहता है। और बेसिकली यहाँ पर हम लोग इसलिए करते हैं जो चीज स्लाइस से थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो उसका टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। तो ये सब डिशेस आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। होप आपको अच्छा लगे, तो ट्राई कीजिएगा तो मुझे जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है ना कि फर्स्ट साइड से आप अच्छे से सेक लीजिए और इसको थोड़ा पलटने में प्रॉब्लम होती है तो आपको अच्छे से देख के आपको पलटना होगा नहीं तो स्टफिंग जो है वो बाहर निकल जाती है। तो देखिए मैं इस तरीके से दो चीजों के हेल्प से इसको पलट रही हूँ, दोनों साइड से बस हम लोग को सेक ले। आदू क्या खा रहे हो? टमाटर खा रहा आदू, कैसा बना है? बहुत टेस्टी है। ये मेरा इन्वेंशन। अंडे का कमी है। अंडा तो खा नहीं सकते हम घर में ना बेटा। हाँ बेटा अंडा नहीं खा सकते, तो दादी से परमिशन ले लेंगे। आदू को यम्मी लग रहा है ना? सो गाइस अभी 9 बज गए हैं एंड मैं जस्ट अभी बर्तन धोकर और बैठी हूँ। कोई नहीं है बेटा, आदू बोल रहा उधर से कौन है, वो अपने पापा के साथ खेल रहा है यहीं पर बैठकर। और बस अभी मैं बहुत गीली हो गई थी तो मैंने बस ड्रेस चेंज कर लिया है और अभी बस डिनर बनेगा, डिनर करेंगे हम लोग। एंड आदू अभी ठीक है, उसको फीवर वगैरह नहीं हुआ, वैसे भी हम लोग पेनलेस वाला ही उसको वैक्सीनेशन दिलवाते हैं हमेशा, तो ठीक है वो अभी तक तो उसको मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि फीवर वगैरह का, तो अभी सब सही है। एंड अभी ये ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि कल फिर से मॉर्निंग से सब उठना एंड ऑल द थिंग्स, फिर से बैक टू द रूटीन। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज़ डू ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन इन अनदर ब्लॉग, टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल।